हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो मैं उत्कलिका, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का पार्ट टू, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो, पहले हम पढ़ चुके हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? डोबरनियर ट्रायड्स में हम पढ़ चुके हैं। डोबरनियर ट्रायड्स में क्या बताया गया था हमें? डोबरनियर ट्रायड्स में हमें ये बताया गया था कि जो भी इन दोनों का लास्ट टू एलिमेंट्स का हमें क्या लेना है? मास नंबर लेना है और डिवाइडेड बाय टू करना है, दैट इज द मीन एवरेज मास, राइट। तो ये अगर इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट आ रहा है, तो डोबरनियर ट्रायड क्या है? राइट है। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल भी लेंगे, एक एग्जांपल से भी कुछ नहीं होगा, राइट। सेकंड एग्जांपल में एलिमेंट्स क्या लेंगे? कैल्शियम लेंगे, स्ट्रॉन्शियम लेंगे और बेरियम लेंगे। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का सिंबल क्या है? Ca, Sr और Ba। ओके, तो कैल्शियम क्या है? ये कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम क्यों लिए भाई? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम क्यों लिए? क्योंकि दे आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, इसीलिए हम ये तीन लिए हैं। ओके, तो देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या। अच्छा, सिमिलरिटी क्या क्या बेसिस पे है? दिस ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। दिस ऑल एलिमेंट्स आर क्या, किसके अंडर आते हैं? मेटल्स। और मेटल्स का मतलब क्या है? द एलिमेंट्स हु लूज इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? द एलिमेंट्स हु लूज इलेक्ट्रॉन, दे आर कंसिडर्ड एज मेटल्स। अच्छा, नाउ द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर फ्रॉम अल्कलाइन इन नेचर। मैं पहले भी मतलब बोल चुकी हूँ, हम कौन से, मतलब पहले एग्जाम्पल में हम पढ़ चुके हैं ये जो एलिमेंट्स है ये क्या फॉर्मेशन करते हैं। द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स आर अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब क्या है? बेस बोलते हैं ना, अल्कलाइन का और एक फॉर्म, और एक का क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर। इसका जो अगर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड होगा और बेरियम ऑक्साइड होगा, ये क्या है? दे आर अल्कलाइन इन नेचर। ओके, नाउ ऑल दिस एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ टू। अच्छा, वैलेंसी हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट, फर्स्ट क्लास में ही वैलेंसी पढ़ चुके हैं। जो भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर वन इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? प्लस वन। और वन इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उसका वैलेंसी हो जाएगा माइनस वन। वैसे ही इनका वैलेंसी क्या है? टू है। अच्छा, देखो मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, अगर कुछ टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है। इसका अगर टू ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव ही है। तो इनका वैलेंसी क्या है? प्लस टू। प्लस टू का मतलब ये क्या कर रहे हैं? दे आर डोनेटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। ओके, इतना तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और बेरियम का 137 है। तो ये दोनों को क्या करना है? हमें ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीच का आ जाएगा ना। तो देखो, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। पहले भी हम बोल चुके हैं ना, कैसे अरेंज किए हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये अगर 40 है, ये 87 है, कुछ 40 का आसपास गैप आ रहा है, अगर 87 टू 137, वैसे ही 50 के आसपास गैप आ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में क्या गया है अरेंज किया कर गया है। अच्छा, देन ही कैलकुलेटेड द मीन ऑफ एटॉमिक मास। बोले हैं ना 40 और 137, ये क्या है? मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट का? फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट का। इनको क्या करना है? एडिशन करना है और क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्यों डिवाइड करना है बाय 2? क्योंकि हम दो ही एलिमेंट्स ले रहे हैं, राइट। हम एवरेज में ये पढ़ते हैं ना कि जितना अपर, मतलब ऊपर जितना भी एलिमेंट्स लोगे, जितने भी नंबर्स लोगे, उतना डिवाइडेड बाय करना है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, अच्छा, ये अगर आ जाएगा तो ये कितना आता है? 177.4 अगर एडिशन करते हैं और डिवाइडेड अगर 2 कर रहे हैं 88.7। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? इक्वल टू 87.6 है। तो इसमें भी क्या कर गया? डोबरनियर ट्रायड का क्या हो गया? ठीक ठाक चल गया। तो अभी क्या देखेंगे? देखो, हाँ, हैंस दिस ट्रायड फॉलोड बाय द लॉ। तो लॉ में जो बोला गया था कि ये वाला और ये वाला
अगर डिवाइडेड बाई टू होके अगर ये मिडिल टर्म आ रहा है तो वो लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। तो अभी क्या हुआ, लॉ एप्लीकेबल हो गया है, अभी लॉ एप्लीकेबल हो गया है। तो देखो भाई, एलिमेंट्स अगर लेंगे, क्या क्या लेंगे, नाइट्रोजन ले रहे हैं, फॉस्फरस ले रहे हैं और एर्सनिक ले रहे हैं। इसका सिंबल क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, N है, और फॉस्फरस का P है और एर्सनिक का AS है। अभी ऐसा देखो, ये अगर हो गया तो अभी क्या हो जाएगा, डोवर्नियर राइट होगा। आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, दे आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस लॉ में एप्लीकेबल कर सकते हैं, अगर वो केमिकली सिमिलर होगा तो, राइट। नेक्स्ट, इसका क्या है, एटॉमिक मास 14, इसका 31 और इसका 74.9, ओके। तो ये अगर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, कितना आ रहा है, 44.45। देखो भाई, इसका 44 आ रहा है और इसका कितना है, कितना आना चाहिए था, 31 के आसपास आना चाहिए था। तो 31 या फिर 30 आ जाता या फिर 32 भी आ जाता तो हम क्या कर लेते, कंसिडर कर लेते। पर अभी कितने का डिफरेंस आ रहा है, आसपास 13 या 15 के आसपास क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डोवर्नियर को राइट बोलेंगे ना रॉन्ग बोलेंगे, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे, क्योंकि अगर 30 के आसपास, 31 के आसपास कुछ भी नंबर आ जाता तो हम इसको क्या बोलते, कंसिडर कर भी लेते। अभी क्या आ रहा है, 44 पॉइंट आ रहा है, 44 और के आसपास आ रहा है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया, डोवर्नियर ट्रायड जो भी लॉ बोले थे कि अगर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स ले रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास हम रख रहे हैं, अगर उनका उनका मीन एवरेज, मीन एवरेज इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, डोवर्नियर ट्रेड मान लेते। तो अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए हम डोवर्नियर ट्रेड और नहीं पढ़ने वाले। डोवर्नियर ट्रेड का बस क्या पढ़ने वाले, कि ये ऐसे एक ट्रेड, ऐसा एक लॉ बताया गया था, ओके। अच्छा चलिए, ये तो हो गया डोवर्नियर ट्रेड भाई। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम, लिमिटेशन, क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ डोवर्नियर ट्रेड, क्या क्या बोले थे देख लेते हैं। अच्छा, डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली फ्यू ट्रायड्स। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में तो हो गया था, सेकेंड एग्जाम्पल में भी हो गया था, थर्ड एग्जाम्पल में वो नहीं कर पाए, इसीलिए क्या करके ओनली फ्यू ट्रायड्स, कुछ कुछ ही हो पाया, कुछ कुछ ही एलिमेंट्स इनके ट्रायड के अंदर आ पाया, ओके। नाउ फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन दैट टाइम अदर ट्रायड्स डिड नॉट ओबे डोवर्नियर ट्रायड, डोवर्नियर ट्रायड्स, ओके। अच्छा देखो, अभी एक एलिमेंट फॉलो करेगा, दूसरा एलिमेंट फॉलो करेगा, फिर कुछ और एलिमेंट्स फॉलो नहीं करेंगे, तो हम हर एक एलिमेंट में ये अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बोला गया कि डोवर्नियर ट्रायड्स क्या है, गलत है भाई, ओके। नेक्स्ट में चलिए, चलो, सो इट फेल्ड, ओके, उप्स मूवमेंट फॉर डोवर्नियर, राइट, उप्स मूवमेंट फॉर डोवर्नियर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, अभी क्या पढ़ेंगे, डोवर्नियर के बाद अगर एक कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो रहा है तो हमें सही करना पड़ेगा, है ना, नहीं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए, न्यूलैंड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हम पढ़ने वाले, अभी इसका गलत होगा सही होगा आगे जाके पता चलेगा। चलिए, ये है भाई जॉन न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड ये क्या है, इंग्लिश के साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट, ओके। आफ्टर द फेल्यूर ऑफ डोवर्नियर ट्रायड द नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज ऑन 1864 में ये फिर से लाए, ओके, क्या लाए, देखो, बाय दिस टाइम 56 एलिमेंट्स, आसपास लगभग 56 एलिमेंट्स क्या हो गया था, डिस्कवर हो गया था, ओके। न्यूलैंड अरेंज दिस एलिमेंट्स इन देयर एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये याद रखना भाई, ये एटॉमिक मास ना बहुत काम की चीज है, हुआ? बाद में हम ये एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं ये गौर करना है हमें, हुआ? अभी देखो, जॉन डाल्टन और डोवर्नियर और ये आगे न्यूलैंड, इन तीनों का अभी क्या चल रहा है भाई, एटॉमिक मास ही चल रहा है, हुआ? एटॉमिक मास, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, कितने एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स को वो अरेंज किए। देखो भाई कैसे अरेंज किए, देखो, अच्छा, एलिमेंट्स सिंबल्स हम अरेंज किए हैं कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ऐसे कुछ अरेंज किए थे, कौन, डोवर्नियर, डोवर्नियर ना, क्या नहीं भाई, न्यूलैंड, हुआ, याद रखना है हमें, न्यूलैंड और डोवर्नियर में कंफ्यूज नहीं होना है, हुआ, कौन किए थे, न्यूलैंड किए थे, हुआ,
एलिमेंट्स क्या क्या है, जो भी एलिमेंट्स इतने तक ही है वो? अच्छा, ये जो 56 एलिमेंट्स था, कितने था? 56 एलिमेंट्स था, इधर लगभग 20 एलिमेंट्स है, इधर लगभग 20 एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले देखो, अगर जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए, अभी देखो हमें अभी के लिए पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है, हमें पता है, राइट। तो अभी देखो, पहले क्या था, गोल्ड भी डिस्कवर हो गया था, सिल्वर भी डिस्कवर हो गया था, ये सब डिस्कवर हो गए थे, पर फिर भी ये क्या के एटॉमिक मास इनका इतना ज्यादा था कि इस टेबल में नहीं रख पाए, उसको अलग में रख दिया गया है। अभी हम बाद में ये क्या करने वाले हैं, बाद में हमें इसको क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं इस पीरियोडिक टेबल में, तभी हम पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, राइट। देखो, अच्छा, न्यूलैंड लॉ ऑफ, हम क्या बोले, ऑक्टेव्स, राइट। अच्छा, ऑक्टेव्स का मतलब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ऑक्टेव्स मतलब हम कहां पढ़ते हैं ऑक्टेव्स, म्यूजिक में, राइट। म्यूजिक में हमें ऑक्टेव्स आता है, सारे गामा पाधा नहीं सर, राइट, सा रे गा मा पा धा नी एंड सा, राइट। देखो, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेंथ एंड एट। देखो भाई, इसीलिए ये जो एट है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टिव्स बोलते हैं। अच्छा, ये नी के बाद फिर से सा रिपीट हो रहा है ना, नी के बाद सा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही बोले न्यूलैंड ने, क्या बोला कि अगर कुछ एलिमेंट्स हम अरेंज कर रहे हैं, इस हिसाब से अरेंज अगर कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो सिमिलर टू दैट ग्रुप होगा, जहां से भी हम स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट में जो एलिमेंट आएगा इस ग्रुप से क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज में होगा। अगर रे से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर तक जा रहे, लास्ट एलिमेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो इस ग्रुप के अनुसार क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अभी क्या हुआ, न्यूलैंड ने वैसे अरेंज किया था। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कितना है, कैल्शियम तक है, क्या है देखो। अच्छा, इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इनका इसका क्या हो जाता है, वन हो जाता है, इसका टू, इसका थ्री, ऐसे करके देखो, चलो लिख देते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ओके, ही स्टडीड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। देखो भाई, किसी भी एलिमेंट्स, अगर कोई भी एलिमेंट अगर डिस्कवर हो रहा है, उसका हमें क्या जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना है और केमिकल प्रॉपर्टीज जानना है। अगर ये हम नहीं जान पाएंगे तो उसके हिसाब से हम ग्रुप में और पीरियड में अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या जानना है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या करना है, जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हमें ही दिक्कत होगा बाद में, राइट। अच्छा, चलो नेक्स्ट में, चलो भाई, ओके, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतना तक हो गया। ये वन अगर है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एलिमेंट्स, वो सारे गमा पाधा नी, राइट। ये अगर हम सा बोलते हैं, ये सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद फिर से क्या आता है, नी के बाद फिर से सा आता है, नी के बाद फिर से क्या आता है, सा आता है। अगर हम सा कंसिडर करें, कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। देखो भाई, फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन कहाँ पे आ गया, इधर आ गया ना, राइट, फ्लोरीन आ गया, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ऐसे होके क्या हो गया, अरेंज हो गया। देखो, अगर ऐसे अरेंज होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ग्रुप्स में है, और ये क्या है, पीरियड्स में है। ओके, दीज आर कंसिडर अंडर ग्रुप्स एंड दीज आर कंसिडर अंडर पीरियड्स। वो देखो, अभी ग्रुप्स में है, इसका मतलब क्या है, इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, उस हिसाब से इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होगा। एंड दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। चलिए भाई, ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट
was similar to the first. So he kept similar elements one below the other. He kept the elements one below the other. अगर इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है किसी भी तरीके से, वो क्या कर रहे हैं, उसके नीचे ही रख देते थे. किसको? एलिमेंट्स को रख देते थे. जैसे कि वो सोचे हाइड्रोजन का वैलेंसी वन है, इसका भी वैलेंसी वन है, राइट. क्लोरीन का भी वैलेंसी वन है. अच्छा देखो, ये हाइड्रोजन बहुत ही एक्सेप्शनल केस है. हाइड्रोजन बहुत ही एक्सेप्शनल केस है. हम बाद में पढ़ेंगे इस हाइड्रोजन को, बाद में पढ़ेंगे. ओके, तो इतना तक समझ में आ गया. ये क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से. तो ऑक्टेव में क्या होता है, फर्स्ट सेवन एलिमेंट्स को रखने के बाद जो भी एथ एलिमेंट आता है, जो भी एथ वाला एलिमेंट आता है, वो सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. वो क्या होता है? सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, चलिए. ही कंपेयर टू दिस एज म्यूजिकल नोट्स. हम पहले भी पढ़े हैं ना, कैसे कंपेयर किया गया था? म्यूजिकल नोट्स. ओके, देखो भाई पियानो बज रहा है तुम्हारे लिए. वम ही कंपेयर टू दिस एज म्यूजिकल नोट्स. ओके, देखो. अच्छा, हमारे इंडिया में तो क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, सारे गमा पाधा निशा ऐसा बोल रहे हैं. बाकी मतलब इंडिया को छोड़ के अगर फॉरेन कंट्रीज में लाए तो क्या है, डोरेमी फा सो ला टी. डोरेमी फा सो ला टी, तो ऐसा है, तो उनका वैसा कल्चर है, तो छोड़ो. ये क्या है, उस हिसाब से क्या किया गया, उनका फिजिकल और प्रॉपर्टी सेम अगर होगा तो उस हिसाब से वो नीचे 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 अरेंज करते चलेंगे. ओके, नाउ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इनका हम क्या है, लॉ तो पढ़ना है. तो इनका लॉ क्या बोलता है भाई, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरी एथ एलिमेंट. देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एथ एलिमेंट, The properties of the eighth element are similar to the first. Okay? तो eighth element जो आ रहा है, घूम फिर के eighth element जो आ रहा है, वो किससे similar होगा? First element से similar होगा. According to the Newland law of octaves. ये Newland का law था, याद रखना, exam में जरूर आएगा. What is the Newland law of octaves? वाह, देखो भाई, law बहुत, मतलब law बहुत काम की चीज है. वाह, कैसे कैसे important points बनेंगे देखो. Increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या, एटॉमिक मासेस. यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तुम गलत नहीं होना, हुआ, तुम पढ़े हो, गलत नहीं होना. इसमें एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है फर्स्ट. सेकंड में क्या आता है, एवरी एथ एलिमेंट, एवरी एथ एलिमेंट हुआ कंसिडर टू द फर्स्ट एलिमेंट. नाउ डोबिनेट ट्रायड्स में क्या था, डोबिनेट ट्रायड्स में क्या था, मीन एवरेज, याद रखना, मीन एवरेज याद रखना. और किस हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से ही किया गया था, ये याद रखना है तुमको, वरना पछताओगे. चलिए भाई, डोवर्नियर का हो गया, न्यूलैंड का हो गया. फिर आता है फ्यूचर्स ऑफ न्यूलैंड्स, फ्यूचर्स ऑफ न्यूलैंड्स टेबल. अच्छा, कितना एलिमेंट, 56 एलिमेंट, राइट. ये तो हम पहले भी देख चुके हैं टेबल. राउंड आफ्टर कैल्सियम एवरी एथ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट. अच्छा देखो, कैल्सियम तक तो कैसे कैसे करके वो रख दिए, राइट, ऐसे ग्रुप्स करके रख दिए. फिर बाद में क्या हुआ, कैल्सियम के बाद जो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जो जो मतलब उनको जो जो पता था एलिमेंट्स, वो क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट से फिर सिमिलर नहीं हो पाया. जो वो अरेंजमेंट किए थे कि एवरी एथ एलिमेंट अगर आएगा यहाँ पे वो सिमिलर होगा, फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होगा, वो फिर नहीं हो पाया, राइट. तो क्या किए वो, देखो ऑब्वियसली क्या होगा, फेल हो जाएगा ना, राइट. देखो, कैल्सियम के बाद क्या आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, हुआ टाइटेनियम आ गया, मैंगनीज आ गया, आयरन आ गया, राइट. ये सब एलिमेंट्स क्या थे, थे एलिमेंट्स तो थे, पर इस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं हो पाया. देखो, दो दो एलिमेंट्स ला दिए, राइट, कोबाल्ट और निकल को साथ में रख दिए, ये तो नहीं होगा ना, राइट, बाद में दिक्कत होगा. तो कोबाल्ट का कुछ और एटॉमिक मास है, निकल का कुछ और एटॉमिक मास है, इसका प्रॉपर्टीज कुछ है, इसका प्रॉपर्टीज कुछ है, और हम फर्स्ट पीरियड में इसको तो नहीं रख सकते, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में नहीं रख सकते, राइट. अच्छा चलिए, टू एलिमेंट्स, अभी मैंने बोली ना कोबाल्ट और निकल, टू एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स. सेम बॉक्स में अगर तुम कोबाल्ट को और निकल को रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई. हाँ, एक बोतल में कोबाल्ट और निकल कैसे रहेंगे, राइट. अच्छा चलो, नाउ देखो 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 क्या हो रहा है. देखो, ये कोबाल्ट और निकल,
He didn't explain why two elements were kept together. अभी वो बोल भी नहीं पाए कि ये जो वो प्लेस किए हैं, कोबाल्ट और निकल जो प्लेस किए हैं, इनका क्या ऐसा रीजन है कि कोबाल्ट और निकल को तुम्हें एक ही बॉक्स में रखना पड़ा. सो ही कैंट एबल टू, ही डिडंट एबल टू एक्सप्लेन दैट. ओके नाउ अभी देखो, आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज वॉज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स. देखो भाई, अगर हम देखेंगे टेबल में, टेबल कहाँ गया, अच्छा देखो ये कोबाल्ट एंड निकल कहाँ है, यहाँ है. आयरन कहाँ है, यहाँ है. अगर हम बोलेंगे अच्छा न्यूलैंड के हिसाब से ये अगर सेवेंथ ग्रुप हो गया है, ये क्या हो गया है, फर्स्ट ग्रुप हो गया है. अब के मतलब अभी के लिए हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं क्या है, आयरन कोबाल्ट निकल, ऐसा है राइट, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत सिमिलर है. पर यहाँ पे देखो ये आ गया सेवेंथ पीरियड में, ये आ गया फर्स्ट पीरियड में, ऐसा तो नहीं होगा ना राइट. तो ऐसे ही वो बोले कि ये वाला करेक्ट नहीं है राइट. आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द एलिमेंट्स. ओके नाउ दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैसेस. अभी ये तो मेन रोल है भाई. इनर्ट गैसेस क्या है, इनर्ट गैसेस को हम और क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस. इनर्ट गैसेस को और हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं राइट. अच्छा इनर्ट गैसेस बिकॉज दे वर नॉट येट डिस्कवर्ड. अच्छा 56 जो एलिमेंट्स डिस्कवर किया गया था उसमें कहीं पर भी इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी नहीं किया गया था, इसीलिए उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया. बाद में जब इनर्ट गैसेस का डिस्कवर हुआ तो इसमें इस टेबल में फिट नहीं हुआ. ओके तो इसीलिए क्या हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, गलत हो गया. ओके नाउ वी विल गो टू मेंडेलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. वाह दिमित्री मेंडेलीफ आ गया, वाह यही हमें पीरियोडिक टेबल का एक अच्छा खासा दिए थे. चलिए देखते हैं मेंडेलीफ. ओके ये है क्या है, रशियन केमिस्ट. ओके आफ्टर द फेलियर ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही अटेम्प्टेड द क्लासिफिकेशन अगेन इन 1869. तो 1869 में क्या हुआ, फिर से उनका स्टार्ट किए गए, उसका एक्सपेरिमेंट किए. क्या बोले देखो, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या बोलते थे दिमित्री मेंडेलीफ को भाई, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोल रहे थे. ही ऑल्सो अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस. देखो भाई यही तो गलती कर दिए, देखो डोबरनियर यही गलती किए. अच्छा डोबरनियर ये गलती किए राइट, न्यूलैंड भी ये गलती किए और अभी मेंडेलीफ भी यही गलती किए. हम बाद में पढ़ेंगे कि गलती क्या था, एटॉमिक मासेस ही गलती था भाई. वह बाद में हमें पता चलेगा कि ये एटॉमिक मास जो है ना ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है भाई. तो ये भी कैसे किए ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. ओके अच्छा याद रखना कि दिमित्री मेंडेलीफ को क्या बोलते थे, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते थे. हुआ याद रखना है तुम्हें. अच्छा द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो कौन थे, दिमित्री मेंडेलीफ थे. मेंडेलीफ कौन थे ना, ही इज द इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर. हुआ अच्छा ये अच्छा खासा एक पीरियोडिक टेबल बना के दिए थे बच्चों. मेंडेलीफ न्यू 63 एलिमेंट्स. देखो 56 से 63 एलिमेंट्स उनको पता था. He classified elements on the basis of atomic masses. देखो atomic masses को highlighted किया गया है ना, इसका मतलब important है. Okay? And studied their physical and chemical properties. अभी हर एक element का physical chemical properties हमें पता ही होना चाहिए, वरना हमें उस हिसाब से arrange नहीं कर सकते. Okay? Now Mendeleev took the formula of the oxides. Mendeleev took the formula of the oxides and hydrides. देखो क्या लिए, oxides लिए और hydrides लिए. Formed by the elements as the basic property. क्या बोले भाई, oxides और hydrides basic property of elements है. For their classification in the form of periodic table. अगर किसी element को हमें arrange करना है group में, period में, ऐसा करके सब elements को atomic के हिसाब से, atomic masses के हिसाब से हमें arrange करना है, तो हमें क्या जानना है, उस elements का oxides जानना है और hydrides के form जानने हैं. Okay? According to Mendeleev, याद रखना कौन सा साइंटिस्ट था, Mendeleev थे. ओके he arranged elements horizontally if they were dissimilar and vertical if they were similar. Vertical कब हुआ था, अगर similar elements आ गए तो,
अगर डिसिमिलर एलिमेंट्स आ गए तो ओके, तो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉराइजॉन्टल, ओके, डिसिमिलर एलिमेंट्स और सिमिलर एलिमेंट्स, ओके, इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये जो लिए थे किस हिसाब से लिए थे भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिए थे। देखो, किसी भी चीज का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लेते हैं, हुआ, सिमिलर अगर प्रॉपर्टीज होगा और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, ओके, अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा तो क्या करेंगे? वर्टिकली प्लेस करेंगे, ओके। नाउ अभी हम इस वर्टिकली अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, राइट। वैसे ही डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स कैसे आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल, राइट। ये कैसे प्लेस करेंगे भाई? ऐसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड दीज आर नोन एज पीरियड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें गलत नहीं होने का हमें, वो वर्टिकली प्लेस्ड इज ग्रुप्स एंड पीरियोडिकली प्लेस्ड इज हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेस इज पीरियड्स, ओके, इसमें गलत नहीं होने का, राइट। देखो ये हो गया ना, चलो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे क्या है एलिमेंट्स है? वो 63 एलिमेंट्स है ऐसे, राइट। अच्छा, जब उन्हें नहीं पता चलता था, किसको? मेंडलीव को अगर पता नहीं चलता था कि इसके बाद में क्या है, तो क्या करते थे? देखो, आफ्टर कैल्शियम द नोन एलिमेंट वॉज टाइटेनियम। वो कैल्शियम के बाद अगर उसको उनको कुछ एलिमेंट्स पता है तो वो क्या है? टाइटेनियम है। बट इट वॉज नॉट सिमिलर टू एल्यूमिनियम। देखो भाई क्या हो गया, देखो एल्यूमिनियम से कौन सिमिलर नहीं हो रहा है? टाइटेनियम। पर कैल्शियम के बाद क्या आना चाहिए? टाइटेनियम। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस एलिमेंट को हमें पता है, बीच का एलिमेंट हमें पता नहीं है। तो देखो भाई, कैल्शियम आ गया, देखो कैल्शियम के बाद दूसरा एलिमेंट उनके पता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम के ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम। टाइटेनियम के ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं हो पा रहा है, ओके। सो ही प्लेस्ड इट बिलो सिलिकन। अच्छा, ये कैसे? मतलब टाइटेनियम जो है वो किसको सिमिलर हो रहा है? सिलिकन, ओके। सो ही प्लेस्ड अंडर सिलिकॉन विच वॉज सिमिलर टू इट, सो हेंस ही लेफ्ट वैकेंट द स्पेस। ये वाला स्पेस क्या कर दिए? वो मतलब ये वाला स्पेस छोड़ दिया, वैकेंट छोड़ दिया। फिर देखो, सिलिकॉन के बाद क्या आ गया? टाइटेनियम आ गया। अच्छा, वो बोले भी, हुआ, ये बोले कि ये जो मैं स्पेस छोड़ा हूँ, अगर इसमें टाइटेनियम अगर रख देता हूँ तो एल्यूमिनियम को सिमिलर नहीं हो पाया, इसीलिए सिलिकॉन से ये सिमिलर है तो सिलिकॉन के नीचे रख देता हूँ। टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ये सब आ गया। हुआ, अभी इस स्पेस में कौन है स्टूडेंट्स? अभी स्पेस में, अच्छा अभी के लिए अगर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लिखे तो अभी के लिए क्या है? स्कैंडियम है। क्या है? कौन है? स्कैंडियम है। तो पहले नहीं पता था वो। अच्छा, फिर क्या आ गया? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। देखो भाई, अभी ये आ गया, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अच्छा, इसका ऑक्साइड फॉर्म क्या होगा? BeO होगा, Mg का MgO होगा और कैल्शियम का CaO होगा। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है ये भी सिमिलर कर रहा है। देखो तीनों का क्या है? लास्ट में क्या है? ओ है, MgO है। फिर क्या है? कैल्शियम भी ओ ही है। अगर इसका कुछ डिफरेंट होता तो क्या देता? सपोज सोच लो इसका वैलेंसी 2 की कुछ होता तो MgO2 ऐसा कुछ देता, ऐसा नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो ठीक अरेंजमेंट किए हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स का फॉर्म भी क्या है? ठीक ठाक आ रहा है, लगभग ठीक ठाक आ रहा है। सो सिंस फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड्स इज सेम, मेंडलीव प्लेस ऑल ऑफ देम इन द सेम ग्रुप। जैसे कि ऑक्साइड्स के फॉर्म सेम आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहे हैं कि सेम ग्रुप्स में रख रहे हैं। वो अगर डिफरेंट आता तो पीरियड्स में रखते, ओके। नाउ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ। देखो भाई, अगर बन गया, काम हो गया, तो हमें क्या करना है? लॉ ही बस बनाना है। चलो, लॉ में क्या आएगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इफ दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। देखो भाई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. पीरियोडिक फंक्शन का ये मतलब हो जाता है इफ दे आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक, इफ दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. ओके, अच्छा. द फेनोमेनन व्हिच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इज कॉल्ड पीरियोडिक. एग्जाम्पल सनराइज एंड सनसेट. देखो सनराइज एक टाइम में होता है और सनसेट एक टाइम में होता है, हमें पता है लगभग 5 o'clock to 5 o'clock ऐसे हमें पता है, राइट. अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं कि रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, रिपीटेशन हो रहा है किसका, एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है. देखो भाई, हम पहले भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं. देखो ये अगर पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर क्या आ रहा है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये आ रहा है ना. अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं तो कैसे ग्रुप्स में अरेंज किए गए, तो इसके बाद ये पीरियड के बाद फिर से हमें क्या इस पॉइंट में आना पड़ता है ना, इस पॉइंट्स में आएंगे तो ये अगर सिमिलर नहीं होगा तो नहीं रख पाएंगे, राइट. अभी हम पढ़े क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. ये अगर सिमिलर नहीं होगा तो हम ग्रुप्स में नहीं रख सकते, ग्रुप्स में हम नहीं रख सकते. तो इसीलिए क्या बोल रहा है, द रिपीटेड रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी जो रिपीटेड हो रहा है, जो रेगुलर इंटरवल में रिपीटेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी, राइट. पीरियोडिसिटी अगर क्या हो रहा है, वो रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, वो अगर रिपीटेशन हो रहा है देन दैट वी विल कॉल एज पीरियोडिसिटी. ओके, नाउ देखो द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ is called Mendeleev periodic table, is called as Mendeleev periodic table. Now the horizontal rows in the periodic table are called periods. Hum pehle bhi padh chuke hain students, kaun sa hai periods, periods agar hoga to horizontal, agar vertical hoga to kya hoga, groups. To horizontal rows are known as periodics. Ye kaun bole ki Mendeleev hi bole, wah dekho bhai ye kya hai, periods hai. Ye kya hai, periods hai. Agar we are moving from left to right, अगर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन दैट इज नोन एज पीरियड्स. ओके, अच्छा पहले